हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट्स। मैं हूं रवि। अब हम लोग जैसा कि पिछले क्लासेस में बेसिक में फंडामेंटल एसी फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया था, आज उसी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेकर के आए हैं। कुछ और बेसिक चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो यहां पे हमने एक साइन वेव बना के रखा है। साइन वेव में आप देख पा रहे हैं कि ये जो है पॉजिटिव साइकिल निगेटिव साइकिल, ये इसका कम्प्लीट टाइम पीरियड, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू निगेटिव मैक्सिमम वैल्यू। अब मैं यहाँ पर आपको सबसे अच्छी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि जो टाइम पीरियड वगैरह होता है ये बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। किसी भी पीरियोडिक सिग्नल के लिए जो टाइम पीरियड होता है, वह टाइम जहाँ के बाद वो वेवफॉर्म अपने आप को पुनः रिपीट करना शुरू करे, एक तो तरीका ये हो गया बताने का। और साइन वेव के लिए जनरली आप बोलते हैं कि साइन वेव को अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ साइन वेव, ठीक है ना। तो आप इसको दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जो टाइम पीरियड हमारा होता है साइन वेव के लिए 2 पाई होता है। फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1/5 टाइम पीरियड। ओमेगा, जो एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड में 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, या रिवोल्यूशन पर सेकेंड आप कह सकते हैं, रिवोल्यूशन पर सेकेंड भी इसको बोल सकते हैं, और रिवोल्यूशन अपॉन सेकेंड बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए अच्छे से। और जो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ये है पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू और ये है निगेटिव मैक्सिमम वैल्यू। तो पीक टू पीक इसकी जो वैल्यू होती है पॉजिटिव से लेकर के निगेटिव तक की टोटल जो वैल्यू होती है, दैट इज़ पीक टू पीक वैल्यू। मतलब पॉजिटिव वैल्यू पीक टू पीक वैल्यू वी एम माइनस वी एम इज इक्वल टू 2 VM। जो पीक टू पीक वैल्यू लिखा जाता है साइन वेव का वो 2 VM लिखा जाता है। अर्थात जब भी कहीं पे हमें पीक टू पीक वैल्यू दे रखा है और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, पीक टू पीक वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो ये तो बात रही साइन वेव की। अब देखिएगा, इसके बारे में इतनी चीज़ें आपने जान लिया। कल मैंने आपको फेज वगैरह पढ़ा रखा था, पॉजिटिव लीडिंग फेज और लैगिंग फेज। तो यहाँ पर हम एक दो वेवफॉर्म बनाएंगे और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सपोज ये हमारे पास एक वेव फॉर्म है, ये हमारे पास एक वेव फॉर्म है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड मान लीजिए सेम है, इनके बीच का जो एंगल है दैट इज अल्फा या फाई मान लीजिए। ये ई ए है, ये ई बी है। तो यहाँ पे ई ए इज इक्वल टू अगर कैपिटल ई एम साइन ओमेगा टी है, तो ई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एम साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। ध्यान दीजिएगा, अगर लैगिंग है मतलब बाद में आ रहा है तो उसको हम लोग माइनस में लिखेंगे यहाँ, ठीक है ना। दूसरा वेव फॉर्म देखते हैं, दूसरा वेव फॉर्म दूसरे वेव फॉर्म में समझने की कोशिश करिए। अगर ये हमारा अल्फा है तो यहाँ आप लिखेंगे ई ए, तो वही होगा ई बी। अगर ये ई बी है तो आप लिखेंगे ई बी इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। प्लस अगर अल्फा है मतलब लीडिंग क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, ये हमारा रेफरेंस वैल्यू है। माइनस अल्फा है मतलब लैगिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। फंडामेंटल वेव पे कैसे न्यूमेरिकल बन जाते हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। क्वेश्चन में क्या पूछ लेगा, देखिए हम आपको बता दें, आपसे कहेगा क्वेश्चन में एक वेव फॉर्म दे देगा, या तो वेव फॉर्म के माध्यम से पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा फिलहाल इक्वेशन के माध्यम से। मान लीजिए हमने एक इक्वेशन दे दिया आपको, वी ऑफ टी इज इक्वल टू 100 sin 340 t। ये आपको मैंने एक इक्वेशन दे दिया। अब आपसे मैं क्वेश्चन है, ये आपसे क्या क्या पूछूंगा, साइन वेव है ये, आप देख के ही बता सकते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा पहला मैक्सिमम वैल्यू बताइए, मैक्सिमम वैल्यू क्या, मैक्सिमम वैल्यू। तो आप कहेंगे वी एम इज इक्वल टू 100 वोल्ट। भाई सीधे यहाँ जो वैल्यू है आप कंपेयर कर लीजिए, यही मैक्सिमम वैल्यू हो गया। दूसरा मैं आपसे पूछूंगा पीक टू पीक वैल्यू बताइए, पीक टू पीक वैल्यू बताइए। तो आप कहेंगे ये लीजिए सर, पीक टू पीक वैल्यू बराबर 2 VM, मतलब 200। तीसरा मैं आपसे कहूँगा
पीक टू पीक अगर आपने बता भी लिया तो मैं आपसे कहूंगा नहीं, अब मुझे फ्रीक्वेंसी जानना है। क्या जानना है? फ्रीक्वेंसी जानना है। तो आप कहेंगे सर फ्रीक्वेंसी जानना है, मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए फ्रीक्वेंसी भी देख लेते हैं। आप इससे जब कंपेयर करेंगे वी ऑफ टी वी एम साइन ओमेगा टी की जब तुलना करेंगे, तो आप देखिए वी एम इज इक्वल टू ये मिला, ओमेगा इज इक्वल टू 314 मिलेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू आप लिखेंगे 314, ठीक है ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है इज इक्वल टू 314, आप एफ इज इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ आपको मे बी 50 हर्ट्ज आ जाएगा। 314 अपन 2πf कैलकुलेट कर लीजिएगा, 50 हर्ट्ज आ जाएगा। ये आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी। अब आप कहेंगे नहीं टाइम पीरियड बताइए भाई, तो टाइम पीरियड भी देख लेते हैं। टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, मतलब 0.02 सेकेंड, 0.01/50, मतलब 1/50 0.02 सेकेंड। तो इस तरीके से बेसिक फंडामेंटल से ऐसे क्वेश्चंस आपके पास बनने वाले हैं। अभी इस चीज़ को और मैं थोड़ा सा डिटेल आपको लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं पहले आपको, अभी तो हमने नॉर्मल बताया था, अब मैं आपको फेज कैलकुलेट करना बताऊँगा। क्या कैलकुलेट करना? फेज कैलकुलेट करना। अगर कोई आपसे कहे लीडिंग फेज को दिखाना है लैगिंग फेज को दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? ये आपने देख लिया लीडिंग फेज लैगिंग फेज को अगर हमें कहीं रिप्रेजेंट करना है, अगर आप ये लेक्चर देख लेते हैं ना तो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो गजब का क्लियर हो जाएगा ना, कि आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अभी आप देखिए, अगर मैं आपको कहूँ ईए और ईबी को प्लॉट करना है तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये हमारा ईए है, ये है हमारा, ठीक है ना। अब ईबी चूंकि लैगिंग है, लैगिंग क्वांटिटी हमेशा रेफरेंस क्वांटिटी से क्लॉकवाइज घुमा दिया जाता है, किधर? क्लॉकवाइज घुमा दिया जाएगा। तो ये हमारा रेफरेंस है, क्लॉकवाइज आप घुमा दीजिए ईबी, ये हमारा क्या हो गया, कितना एंगल घूमेगा? अल्फा। ईबी हमारा क्या हो गया? लैगिंग हो गया। किससे? ईए से। मतलब जो लैगिंग क्वांटिटी होती है, जो लैगिंग क्वांटिटी होती है उसको हम क्लॉकवाइज रेफरेंस क्वांटिटी से घुमा देते हैं। लीडिंग की अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास ईए है, लीडिंग के लिए हम लोग रेफरेंस क्वांटिटी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे उतना ही जितना है। तो आप देखिए अल्फा डिग्री है, अल्फा हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, मतलब रेफरेंस क्वांटिटी से अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो दैट इज लीडिंग, क्लॉकवाइज चलते हैं तो दैट इज लैगिंग, ठीक है ना। तो लीडिंग लैगिंग को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे लेता हूँ, क्वेश्चन मैं एक लूँगा, मैं ऑरली ऐसे ही क्वेश्चन ले लेता हूँ। वी ऑफ टी इज इक्वल टू 200 साइन 400 टी माइनस 30 डिग्री। अब आपसे यहाँ पे क्या क्या पूछेगा? मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, तो वी एम आप कहेंगे सर 200 पहला। पीक टू पीक पूछेगा तो आप कहेंगे सर पीक टू पीक 400 सीधे 2 वी एम। तीसरा फ्रीक्वेंसी पूछेगा, ओमेगा इज इक्वल टू आप लिखेंगे 400 और 2πf, मतलब सीधे एफ इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 400 डिवाइडेड बाई 2π। आपसे यहाँ चौथी चीज़ क्या पूछेगा? फ्रीक्वेंसी के बजाय टाइम पीरियड, तो आप कहेंगे सर 2π बाई 400, उल्टा हो जाएगा इसका। अब आपसे क्या पूछेगा कि फेज बताओ, फेज कितना, ये लीडिंग है या लैगिंग है, कोई रेफरेंस मान लो, रेफरेंस वही है ईए मान लो, तो उसके रिस्पेक्ट में आप फेज बताओ लीडिंग है या लैगिंग है। तो आप कहेंगे सर अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री लैग। कैसा? अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री क्या? लैगिंग। तो ये आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, लैगिंग मतलब माइनस के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा यहाँ पे एंगल, और लीडिंग मतलब पॉजिटिव, लैगिंग का मतलब रेफरेंस क्वांटिटी से क्लॉकवाइज, लीडिंग का मतलब रेफरेंस क्वांटिटी से एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिएगा, अब मैं यहाँ पे दो वेवफॉर्म का कंपैरिजन करूँगा और यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। दो तीन वेवफॉर्म लेकर के मैं कंपैरिजन करता हूँ आपसे, मैं सिर्फ फेज के बारे में बात करूँगा, ठीक है ना। आपका एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ईए इज इक्वल टू 100 साइन 200 टी माइनस 40, ईबी 100 या
150 ले लीजिए साइन 200 टी माइनस 80। अब आपसे कहेगा दोनों फेज का अंतर बताइए, दोनों ईए और ईबी दोनों फेज का अंतर बताइए, तो दोनों फेज का अंतर आपको बताना है। तो आप ध्यान रहे, सबसे पहले आप एक रेफरेंस क्वांटिटी, कोई भी रेफरेंस लाइन लेंगे, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ये हमारी क्या है वहाँ से, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी का, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ई ए है कितना लैगिंग है भाई, 40। ई बी कितना लैगिंग है, 80। कितना 80, किससे, रेफरेंस से, ये कितना है भाई 80 डिग्री, तो इसके इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा 40 डिग्री। मतलब फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन ई ए, बिटवीन ई ए एंड ई बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो आप इस तरीके से फेज डिफरेंस बता देंगे। मान लीजिए, मान लीजिए अगर ये प्लस में दिया होता तब आप क्या करते, रेफरेंस क्वांटिटी से इसको क्लॉकवाइज घुमाते, इधर ऐसे होता, ये इधर होता, ये ई बी को आप 80 इधर घुमाते, ये 80, ये 40, और जोड़ देते इसको, तो टोटल आपका फेज डिफरेंस कितना फाई मिल जाता, 120 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आपको इसको डील कैसे करना है। तो न्यूमेरिकल और छोटे मोटे क्वेश्चन, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सो फिलहाल फंडामेंटल और लीडिंग लैगिंग फेज कॉन्सेप्ट में बस इतना ही फिलहाल। आज से हमारा जो है फंडामेंटल के टॉपिक को हम लोग बाइंड अप करके अब अगले टॉपिक पीएसी के चलते हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे आरएमएस और एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। कैसे हम लोग आरएमएस एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे पास एसी सिग्नल्स दे रखे हैं, जो भी एसी सप्लाई है। तो चलिए फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।